नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की। आज शाहजहानाबाद मॉडल स्कूल में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग को डरा धमका कर जबरन स्कूल के कमरे में ले जाकर नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता का भाई स्कूल में चौकीदारी करता है। आरोपी से स्कूल में पोताई का काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा के मंदिर दरिंदगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल शाहजहानाबाद मॉडल स्कूल में चौकीदारी करने वाले एक युवक की 14 साल की नाबालिग बहन के साथ वगी स्कूल में पोताई का काम करने वाले नफीस नाम के युवक ने जबरन दरा धमका कर दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक साल पहले भी इसी पीड़िता के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वो आरोपी अभी जेल में है। दूसरी बार इस पीड़िता के साथ फिर दुष्कर्म की घटना हो गई। आरोपी नफीस दोहरा शामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता को समझते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वही पुलिस अब इस घटना को चिन्हित अपराध में रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेकर जाएगी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। शाहजहाँबाद थाना अंतर्गत 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है। स्कूल में ले जाकर के आरोपी ने घटना अंजाम दिया। संज्ञान में ये मामला थाना शाहजहाँबाद में आया था कि मॉडल स्कूल जो 3 मोहरा के पास है वहाँ पे जो चौकीदारी करता है उसकी माँ और 3 अन्य उसकी बहनें साथ में रहती हैं, जहाँ पर जनवरी माह में कोई नफीस नाम का व्यक्ति पुताई के लिए आया हुआ था और उसके द्वारा पीड़िता के साथ में जो नाबालिग है दुष्कर्म किया गया। उनके द्वारा कुछ तकलीफ होने पर हॉस्पिटल में पीड़िता को दिखाया गया। इसे पता लगा कि लगभग 7-8 माह का उसको गर्भ है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की पता रसीद की गई है जो श्यामपुर दौराहे का पता लगा हुआ है। टीम रवाना कर दी गई है। आज दिनांक को हर परिस्थितियों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या आरोपी का पूर्व में कोई रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है इस तरह का या नहीं? अभी आरोपी का ऐसे कोई रिकॉर्ड की जानकारी नहीं लगी हुई है। फरियादिया के बारे में पता लगा है कि पिछले वर्ष भी उसके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी जो 9वें महीने में करवाई थी, जिसका आरोपी जेल में है। इससे पहले भी क्या किसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था? हाँ, पीड़िता के द्वारा एक उसके साथ बलात्संग की ही प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसका आरोपी जेल में है। और फिर दूसरी आज कल दिनांक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका आरोपी अन्य व्यक्ति है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।